बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है मेथी और सफ़ेद चने का सालन, जिसे हम सब्ज़ प्याज में तैयार करेंगे। मेथी तो आपने गोश्त, चने की दाल और आलू में बहुत बार बनाकर खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से मेथी की इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, ये सालन आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया एक खुले मुँह का पतीला और इसमें हमने डाल दिया 1 लीटर पानी और 1 चम्मच नमक। साथ में शामिल कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा। अब इस पानी को तेज़ गर्म कर लेना है। जब ये पानी तेज़ गर्म हो जाएगा तो इस पानी में हम शामिल कर देंगे मेथी की पत्तियाँ। मेथी की डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना, पत्तियों का इस्तेमाल होगा। इन पत्तियों को हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में डाल के रख दिया था। अब बग़ैर ढक्कन लगाए हमने इन पत्तियों को 2 से 3 उबाल आने तक पका लेना है। चूल्हे को हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब इन पत्तियों को हम पानी से निकाल के ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद इस तरीके से मिक्सी जार में डाल के और चंद लेंगे हरी मिर्चें, जितना हमें तीखा चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। मज़ीद तैयारी के लिए हमने लिए मिट्टी की हांडी। आप कोई सा भी रेगुलर बर्तन ले सकते हैं। घी का हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि मेथी घी में बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा प्याज और हरा लहसुन। हरा प्याज और हरा लहसुन जो है वो हमने इतना ही फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिनका पेस्ट तैयार कर लिया। साथ ही शामिल कर देंगे उबले हुए चने जिन्हें हमने 80% तक गला लिए। अब प्याज, लहसुन, टमाटर और चने जो हैं वो हल्के से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हंसपे ज़रूरत नमक और 1/2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। इस रेसिपी में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। तमाम मसालों को हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फौरन से ही हम इसमें डाल देंगे मेथी का बना हुआ पेस्ट। आप ज़रा मेथी का कलर देख लें, इंतहाई खूबसूरत खुशबू और कलर के साथ इस पेस्ट को हमने मसाले में शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हमने नमक को भी चेक कर लेना है। अभी हमने बग़ैर ढक्कन लगाए ठीक 20 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि तमाम जो घी है वो अलग से हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मेथी और सफ़ेद चने का सालन तैयार हो चुका है, क्योंकि घी जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार, इतनी कि अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर एंजॉय कर लेते हैं तो यकीन माने कि ये डिश आपकी तमाम फेवरेट डिशेस में शामिल हो जाएगी। मेथी और चने बनाने की ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।